हे गाइस, इस विक्रम सिंह फ्रॉम माय ब्रांडर। गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं आज थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इस सभी के पीछे यार आपका और भगवान का ही सपोर्ट है, जिसके चलते आज मैंने पूरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। और यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहना आगे जाके भी। और अब आगे क्या बोलना है मुझे कुछ याद नहीं है, तो चले फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज की क्रिप्टो न्यूज़ को। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में सबसे पहली क्रिप्टो न्यूज़ ये है कि साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीकन रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट है, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जो है वहाँ पर बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्स डालने के बारे में सोच रही है। बेसिकली इंडिया में जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वैसे साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट है, जहाँ वह उस कंट्री की सारी टैक्सेशन को डील करता रहता है। तो उसने रिसेंटली ये बात जाहिर की है कि वो जो है बिटकॉइन और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है उन पर टैक्स डालने के बारे में सोच रहा है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया की तरह ही साउथ अफ्रीका में भी लोगों को बिटकॉइन और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें दिलचस्पी बढ़ रही है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और इसके चलते सरकार की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि इन चीज़ों से जो है इलीगल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे कि टेररिस्ट फंडिंग या फिर ड्रग माफिया वगैरह। इन लोगों को पैसे वगैरह, हवाला वगैरह सब इन्हीं चीज़ों से हो सकता है। इसके चलते सरकार को टेंशन बढ़ रही है और सरकार जो है अब इस पे टैक्स लगाने के बारे में सोच रही है। लेकिन साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि साउथ अफ्रीका की कोई ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नहीं है। बेसिकली साउथ अफ्रीका में लोग अगर बिटकॉइन या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहे तो वो जो है दूसरी कंट्री जैसे यूके, यूएसए की जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस होते हैं उनकी वेबसाइट पर जाके क्रिप्टो करेंसीज खरीदते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की कोई ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कोई ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नहीं है जो बिटकॉइन या फिर बाकी क्रिप्टो करेंसी से डील करे। और इसके चलते प्रॉब्लम यह आएगी कि अगर सरकार जो है बिटकॉइन पे, बाकी क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्स डाल भी दे, तो भी सरकार के पास कोई हिसाब नहीं होगा कि किन किन बंदों ने साउथ अफ्रीका में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट, कोई ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ही नहीं है। तो इसके चलते साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, और ये इसके बारे में भी सोचेगी कि आगे जाके क्या करना है। लेकिन रिसेंटली बस हमें ये पता चला है कि ये जो है इस पर काम करने के बारे में सोच रही है। अब साउथ अफ्रीका को अगर इस पर टैक्स लगाना होगा तो सबसे पहली बात है कि उनको अपना खुद का एक्सचेंज शुरू करवाना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है इसके बारे में वो सोच सकेगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। दूसरी क्रिप्टो न्यूज़ है इसराइल से, जहाँ के इसराइल के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली बताया है कि फ्यूचर में जो है बिटकॉइन और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो बैंक्स को रिप्लेस कर देंगी। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो अभी क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड और क्रेज कैसे बढ़ रही है, बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है बिटकॉइन की और बाकी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसिंग। और तो और ये सभी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी में एक है, और इस टेक्नोलॉजी को जो है बेसिकली हैक करना इम्पॉसिबल के बराबर है, मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन की। और इसी के चलते क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि ये सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पे ही चलती रहती है। और इसके चलते अगर आप देख ले तो बैंक वगैरह में अगर आप कोई काम भी करवाना चाहे, कोई ट्रांजैक्शन भी करवाना चाहे, तो आपको घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है, बहुत सारे झंझट बेलने पड़ते हैं, तब जाके कोई काम होता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लो तो आपको ऑन द स्पॉट मोबाइल से आप कोई भी काम तुरंत करवा सकते हो। तो इसके चलते ये बता रहे हैं कि भाई फ्यूचर में जो है बिटकॉइन और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो बैंक्स की जगह ले लेंगे, और ये जो है अगले आने वाले 5 या 6 साल में ही शायद पॉसिबल हो जाए। तो गाइस, इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या सच में बैंक्स को फ्यूचर में बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज रिप्लेस कर देंगी? वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ, और तीसरी क्रिप्टो न्यूज़ है डैश कॉइन के बारे में, जो बताया जा रहा है कि डैश कॉइन और कुवाकैश नाम की जो कंपनी है इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है जिम्बाब्वे में जो इन्फ्लेशन है उसको घटाने के लिए। बेसिकली अगर आपको नहीं पता हो तो जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ की करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम है पूरी दुनिया में। अगर आप इंडिया के 50 रुपये लेके जाओ जिम्बाब्वे में, तो आपको वहाँ पे 200 करोड़ जिम्बाब्वे के जो नोट होते हैं वो दे दिए जाएंगे। मतलब आप समझ लो कि कितनी कम है उनकी करेंसी की वैल्यू। और इसके मेन रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन, वहाँ पे जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी है सभी चीज़ों की।
और इस चीज़ को कम करने के लिए डैश कॉइन ने एक स्टेप लिया है, उसने कुवाकोश नाम की कंपनी से पार्टनरशिप किया है, जिसके चलते वो जिम्बाब्वे के लोगों को एंकरेज करेगा कि आप डैश करेंसी से जो है ट्रांसफ़र वगैरह किया कीजिए, मतलब आप जिम्बाब्वे की करेंसी को यूज़ मत कीजिए और डैश जो क्रिप्टो करेंसी है इसको यूज़ करके कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए, जिसके चलते आपको सिंपली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और तो और आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा गिरेगी नहीं। और ये मैं मानता हूँ बढ़िया स्टेप है और ये पॉसिबल भी होगा, क्योंकि डैश और कुवाकोश जो कंपनी है इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि ये करेंगी कैसे। इन्होंने ये प्लान किया है कि सबसे पहले कुवाकोश जो कंपनी है वो लोगों को जो है जागरूक करेगी, सभी को प्रमोट करेंगी कि आप डैश क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करें, और उसके लिए सिंप्लीफाइड तरीका बताएगी। लोग अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को जिम्बाब्वे में डैश करेंसी को ट्रांसफ़र करना चाहेगा तो उसके पास डायरेक्टली नॉर्मल मोबाइल से सिर्फ एक SMS के द्वारा वो ट्रांसफ़र कर पाएगा, मतलब आपको कोई मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी झंझट के आप आराम से ऑन द स्पॉट सिर्फ एक SMS के द्वारा सामने वाले को ट्रांसफ़र कर पाओगे। और इस टेक्नोलॉजी को जो है वो ये कुवाकैश जो कंपनी है ये इसको एंकरेज करेगी, और मैं मानता हूँ ये बहुत ही बढ़िया बात रहने वाली है। और इसी के चलते आप देख सकते हो डैश की प्राइसिंग भी जो है रिसेंटली कल रात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और डैश की यार आप पूछो ही मत, बहुत ही हार्डवर्किंग क्रिप्टो करेंसी है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया। ये क्रिप्टो करेंसी मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये ऐसे ही चैरिटेबल काम भी करती रहती है और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग क्रिप्टो करेंसी है। और अगर आप लोगों ने इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं किया है तो मैं मानता हूँ कर लो, क्योंकि अभी भी बहुत बढ़िया मौका जाने वाला है। डैश की जो फ्यूचर अगर आप देख लो तो बहुत ही बढ़िया मुझे इसका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ, और चौथी क्रिप्टो न्यूज़ है हमारी इंडिया से ही। बेसिकली कल शाम को न्यूज़ आई थी कि इंडिया की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली 9 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में सर्वे किया है, जिसमें zebpay और unocoin भी हैं। इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है और उनसे जो है बिटकॉइन यूजर्स के बारे में डिटेल्स पूछे, मतलब कि आपकी एक्सचेंज में कौन कौन लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पूरे डिटेल्स हमें दीजिए और उनके बारे में पूरी जानकारी, पूरे एड्रेस वगैरह, उनके इनकम टैक्स के, उनके पैन कार्ड नंबर, ये वो सब पूरा डिटेल जो है उन्होंने इंक्वायरी किया है। तो ये बात आप फोकस करना। और इसके पीछे का रीज़न भी ये है कि रिसेंटली हमने देखा था 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था RBI को, सेबी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई आप बिटकॉइन के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ बोलो, और उसके चलते RBI और सेबी ने तो रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने अभी तक कोई मतलब कोई भी काम नहीं किया। और इसके चलते अभी जो है इनकम टैक्स वालों ने भी ये स्टेप ले लिया और इनकम टैक्स वालों ने भी सर्वे वगैरह करना शुरू कर दिया। और अगर आप इस पूरे रवैये को देखो तो मैं मानता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं होगा जब बिटकॉइन पे जो है टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। और अगर इंडिया में बिटकॉइन पे टैक्स लगना शुरू हो जाए तो क्या होंगे उसके बेनिफिट्स और क्या होंगे उसके लॉसेस, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ और मैं बनाऊँगा भी। तो अब हम इस वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट 5th क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ की तरफ। और हमारी 5th क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ है भाई न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में एक बंदा जिसका नाम है लुइस मेजा, उसने एक इथेरियम होल्डर के पास से पूरे 12 करोड़ के इथेरियम लूट लिए। एक्चुअली हुआ ये कि इस बंदे ने उस इथेरियम होल्डर से परिचय किया, उसके साथ दोस्ती की, फिर उसको उसके बारे में पूरा डिटेल वगैरह सब जानने के बाद उसको एक दिन टैक्सी में बिठा के किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उसको जान की धमकी दी, मतलब अपनी बंदूक से उसको धमकाया वगैरह सब किया, और उसके इथेरियम के जो पासवर्ड और जो प्राइवेट कीस होती हैं उन सभी की डिटेल्स ले ली इथेरियम वॉलेट की, और उसके बाद इथेरियम वॉलेट को चुरा के उस वॉलेट से जो है सारे इथेरियम अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन भाई खुशी की बात यह है कि पुलिस ने जो है इस बंदे को पकड़ लिया है और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर दिया है कि इसके खिलाफ कोई आप जो है कोई जजमेंट दो। लेकिन अभी जजमेंट क्या मिली है वो अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन आगे जाके अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और मैं मानता हूँ आगे जाके ऐसी क्राइम न्यूज़ बहुत आने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी जो है वो यार थमने का नाम ही नहीं ले, पूरी दुनिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, मतलब ये क्रिप्टो करेंसीज तो पूरी दुनिया में छा गए हैं और इसके चलते क्राइम भी जो है आगे जाके और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, लेकिन जाने से पहले हम बात कर लेते हैं
आज की टॉप 8 क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसिंग के बारे में है भाई। उस सबसे पहले आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 13,80,000 के आसपास और कल थी उसकी प्राइस 14,00,000 के आसपास, तो इसमें कोई खास गिरावट नहीं दिख रही है मुझको। दूसरी बात करते हैं इथेरियम की, जो ज़्यादा शॉकिंग लग रही है। कल उसकी प्राइस थी 60,000 के आसपास और इथेरियम की आज प्राइस है 44,000 रुपीज़। और मैं मानता हूँ अगर आप लोगों ने इसमें अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो भाई मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी टाइम है, इन्वेस्ट कर दो इथेरियम में, क्योंकि यार बहुत बढ़िया स्कोप रहेगा। अगले 2-3 दिनों में वापस इथेरियम का प्राइस जो है वो 60,000 के आसपास चला जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट कर दो, हाथ से मौका जाने मत दो। इथेरियम में बढ़िया स्कोप अभी दिख रहा है, प्राइस जो है बहुत गिर चुके हैं, 44,000 के आसपास आ चुके हैं। आगे बढ़ते रिपल की प्राइस की बात करें तो यार रिपल ने तो मतलब रिकॉर्ड ही ब्रेक कर रहा है। आज इसकी प्राइस 50 रुपये के आसपास चल रही थी, 2 दिन पहले जिस रिपल की प्राइस 15 रुपये के आसपास चल रही थी उसकी प्राइस आज 50 रुपये के आसपास चल रही है। मतलब आप देख लो कितना परसेंट इसमें प्रॉफिट आया आप लोगों को। और मैं मानता हूँ रिपल भी बढ़िया क्रिप्टो करेंसी होगी इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी इन्वेस्ट बिल्कुल मत करो क्योंकि अभी प्राइसेस जो है बहुत हाई में चल रही हैं। जब इनकी प्राइसेस वहाँ पर गिरेंगी तो मैं आपको नोटिफाई कर दिया करूँगा, तभी जाके इसमें इन्वेस्ट करना। बात करते हैं आगे लाइटकॉइन की। लाइटकॉइन की प्राइस जो है वो आज 18,000 के आसपास गिरी है, कल इसकी प्राइस 20,000 के आसपास थी। तो और ये कोई खास गिरावट नहीं है क्योंकि यार पूरे दिन में इतना 2-3 हज़ार का फर्क तो वैसे भी चलता है। फिर बात करते हैं आईओटा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसकी प्राइस है 258 रुपीज़ और कल इसकी प्राइस 275 थी। तो इसमें भी मुझे कोई खास गिरावट बिल्कुल नहीं दिखी है। और बात करते हैं डैश की। डैश की प्राइस जो है आज चल रही है 60,000 के आसपास और कल भी 60,000 के आसपास ही चल रही थी। तो इसमें भी कोई गिरावट बिल्कुल नहीं है और मैं मानता हूँ आगे जाके इसकी प्राइस जो है और भी बढ़ने वाली, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको बता भी दिया है कि डैश जो है बहुत ही बढ़िया हार्ड वर्किंग क्रिप्टो करेंसी है। और यार मुझे इसमें मतलब पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है ये डैश क्रिप्टो करेंसी। आगे बढ़ते हैं मोनेरो के बारे में जान लेते हैं। मोनेरो की प्राइस भी चल रही है 20,000 के आसपास और कल भी इसकी प्राइस जो थी वो 20,000 के आसपास ही थी। और फाइनली यार बात करते हैं इलेक्ट्रोनियम की। इलेक्ट्रोनियम जो है प्राइस के मामले में निराश कर रहा है, इसकी प्राइस चल रही है 4.7 रुपीज़ और कल भी इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 4.7 रुपीज़ के आसपास ही थी। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं दिख रहा। जो हमने सोचा था कि रीलॉन्च होने के बाद कई बंदों ने कहा यार एक बार ऐप आ जाए तो मतलब ऐप अगर आ गया तो शायद इसकी प्राइस जो है $1, $10 यहाँ तक भी जा सकती, लेकिन यार वो कुछ दिख नहीं रहा वो इफेक्ट। अब प्राइस जो है अभी 4.07 रुपीज़ के आसपास ही चल रही है, लेकिन हम देखते हैं अभी आगे जाके, हमें बस इसको होल्ड करके रखना है, आगे जाके देखेंगे फ्यूचर में इसकी प्राइस जो है क्या होगी। और मैं मानता हूँ यार शायद इस साल के एंड तक शायद इसमें शायद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख जाए, क्योंकि अभी जो है लोग पक चुके हैं इलेक्ट्रोनियम को एक महीने से ऐसे इतने सारे इश्यूज़ वगैरह आने की वजह से। और आगे जा जाके इसकी प्रॉब्लम जब ऐसे धीरे धीरे से सॉल्व होती जाएंगी तो मैं मानता हूँ सब जो है एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो बस गाइस आज की क्रिप्टो न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। और बस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सेफ रहो, हेल्दी रहो और हैप्पी रहा करो। मैं चलता हूँ, बाय बाय।